लाल चंद कुमार निहार। प्रणाम गुरुजी। भगवान सुखी रखे। बताएं कहाँ से हैं आप? सर हम भागलपुर बिहार से हैं। बताइए सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/12/1981। समय 6:55 सुबह के। आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के सामने तरफ बेलपत्री का, अनार का, जासौन का कोई पेड़ लगा है क्या? घर के राइट साइड में बेल का पेड़ था। अभी इधर रिसेंटली हम लोग 6 महीने पहले फिर लगाया घर के आगे में। कुंडली ये बताती है घर के बाहर निकलने पर ऐसे सीधे हाथ तरफ रोड में ढलान है, वहीं पर ऐसी टर्निंग है, टर्निंग भी है ढलान भी है। जस्ट घर से बाहर निकलने के बाद तो एक मोड़ आता है। अब तो जहां आपकी ससुराल है, ससुराल में दरवाजे के पास ही पानी की व्यवस्था है? हाँ, एक चापाकल है सर जस्ट आगे में। आपकी जहां ससुराल है, यस सर, ससुराल किसी बॉर्डर पे है? इधर ये मोहल्ला उधर वो मोहल्ला, इधर ये वार्ड उधर वो वार्ड, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है सर वहाँ। सही बात है। यस सर। तो ये कुंडली बिल्कुल सही, बताएं क्या जानना था? सर 2017 से एक्चुअली मेरी जॉब स्टेबल नहीं है। 2014 में मेरी शादी हुई है, उसके बाद से ज़िंदगी में उथल पुथल हो गया। मेरे ऊपर 3-4 कोर्ट केस हो गए हैं बेवजह के, मुझे परेशान कर दिया गया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक बार आपसे बात भी हुई थी मेरी, बस मैंने बताया था कि मैं दुर्ग आ रहा हूँ, पर्ची डाला, फिर आपसे बात हो रही है। मैं भागलपुर से हूँ। ज़िंदगी में उथल पुथल हो गया कि मतलब कहिए कि हम अपने कमाने लायक नहीं बचे, रोड पे आ गए। मुकदमा किसने कर दिया? ससुराल वालों ने? यस, और लगातार वो कर ही रहे। देखिए ऐसा करिए, आपका जो मकान है, मकान के दरवाजे के पास पहले कमरे में घुसते ही कोई बांस का डंडा रखा है, बांस की लकड़ी रखी है क्या? मच्छरदानी लगाने के लिए मे भी वो रखा होगा सर, उस यूज होता होगा। वो हटा दीजिए। ओके। बांस की लकड़ी अगर पहले कमरे में रहेगी तो आप हमेशा परेशान रहेंगे ससुराल वालों से और परिवार से। परिवार के ऊपर और ससुराल के ऊपर धन व्यय होगा, धन बर्बाद होगा, ऐसा दिखाई देता है। तो परिवार के ऊपर भी धन खर्च होता होगा आपका? हाँ, हो ही रहे सर लगभग, चूंकि परिवार के लोग अगर फंसते हैं कोर्ट केस में तो उसमें जाता ही है धन, मेरा ही जा रहा है। और ससुराल के माध्यम से भी उपद्रव शुरू हो गए? हाँ, उन्हीं के थ्रू तो हो रहा है सर। तो दरवाजे के पास पहले कमरे में जो बांस है ना, बांस हटा दीजिए, ठीक है, उससे आपको राहत मिलेगी। और बताएं किस भगवान की पूजा करें? हमारे ख्याल से तो देवी माता की पूजन करें, दुर्गा माँ, दुर्गा जी की पूजन करें, दुर्गा देवी की पूजन करें तो सुखी रहें। यस सर। कोई स्टोन सर? एक ओपल पहन लें, एक गोमेद पहन लें। और जॉब के लिए सर मतलब रिसेंटली कब तक लग जाएगी? जितने हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे उतने सुखी रहें। आपकी कुंडली में पिता के लिए और मान सम्मान के लिए ग्रहयोग अच्छे नहीं। आप हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे उतने जल्दी आप सफल होंगे। पिताजी के लिए मान सम्मान के लिए ग्रहयोग अच्छे नहीं, ठीक? यस सर। ये पन्ना भी जरूरी है क्या? बिल्कुल पहन सकते अगर चाहें तो, उन्नति के लिए पन्ना। पन्ना तो ये दो तो जरूरी है, पन्ना, ओपल एंड गोमेद। बिल्कुल बिल्कुल।